मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी शहद के साथ, शहद नहीं ले सकते तो गुड़ के साथ। अकेली दालचीनी वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसी सब बीमारियों में दालचीनी आती है। बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बार बार गला बैठता है, इन सब बीमारियों में दालचीनी आती है। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है हल्दी। कफ और वात की सबसे अच्छी दवा हल्दी का तो आप सभी जानते हैं, दूध में डाल के गर्म करके पीना सबसे अद्भुत है। हल्दी अकेली दवा है जो कैंसर ठीक करती है, पूरी दुनिया में एक ही दवा कैंसर की, उसका नाम है हल्दी। एलोपैथी में कैंसर का इलाज करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसमें केमिकल है करक्यूमिन, वो बॉडी में सप्लाई करते हैं इंजेक्शन से। ये करक्यूमिन सबसे ज्यादा हल्दी से ही निकलता और कहीं मिलता ही नहीं पूरी दुनिया, इसलिए कैंसर रोगियों के लिए तो हल्दी रामबाण है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो नियमित हल्दी खाते रहे कैंसर होने की शक्यता नहीं। ऐसे ही अपने घर में बहुत दवाएं हैं। लवंग है, लौंग अद्भुत है वात के लिए, कफ के लिए अद्भुत है उसके लिए, काली मिर्च है। इसी तरह से अपने घर में दूधी है माने लौकी है, लौकी का रस हृदय की सबसे अच्छी दवा है। कितना भी बड़ा ब्लॉकेज हो हार्ट में, दूधी का रस पियो, लौकी का रस पियो। सोरेकाई लौकी दूधी सब एक ही नाम है। इसका रस निकालने का तरीका बस ध्यान रखना है, छिलका नहीं उतारना। छिलका उतार दिया तो देखा, छिलके सहित रस निकालना। और रस निकालने के बाद जो कचरा निकलता है वो फेंकना नहीं, खाना। तो कैसे खाएं? रस को छानो मत, कचरा सीधे जाएगा। पानी ज्यादा मिला लो, आसानी से चला जाएगा। अद्भुत है ये लौकी, इसने करोड़ों लोगों के ब्लॉकेज निकाल दिए लौकी ने। और स्वामी रामदेव जी ने बोल बोल के ये महंगी करा दी। पहले 5 रुपए किलो में कोई पूछता नहीं था इसको, अब ये 50 रुपए किलो बिकने लगी है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।